हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे iOS 16 के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। iOS 16 का बीटा ना अभी लॉन्च हो चुका है जो कि हम अपने फोन में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई सारी ऐप उसमें नहीं चल रही है। तो अच्छा रहेगा कि आप वेट करो, जब उसका पब्लिक लॉन्च हो जाए लगभग सेप्टेम्बर या अक्टूबर में iOS 16 आपको अपने फोन में अपडेट मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन से शुरुआत करते हैं। अगर आप लॉक स्क्रीन पे जाते हो, पहले आप वॉलपेपर चेंज कर सकते थे सिर्फ, लेकिन अभी कस्टमाइज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको एक मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे अपने वॉलपेपर्स को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना फोटो लगा रखा है, तो यहाँ पे लॉक होल्ड करने के बाद कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करके आप यहाँ से और भी फोटोज खींच सकते हो, यहाँ पे ऑल फोटोज जैसे कुछ भी फोटो लगा सकते हो। और आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे पर्सपेक्टिव, जूम एंड डेप्थ, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। डेप्थ इन द सेंस कि जो टाइम है ना वो मेरे फोटो के पीछे आ रहा है, लेकिन असली फोटो जो था उसमें ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे डेप्थ वगैरह ये अपने आप चेक कर लेते हो। ये बहुत सही सा फीचर लगा। और अगर आप राइट स्वैप करते हो, लेफ्ट स्वैप करते हो, तो आप अलग अलग फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला फिल्टर है, ये फिल्टर और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऐड विजिट करके, तो यहाँ पे हाँ आप आईफोन की लॉक स्क्रीन में विजिट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको मेल का करना है या फिर और भी कोई AQI है, वेदर का विजिट लगाना, यहाँ पे लगा सकते हो। और भी टाइम, अलार्म क्लॉक का, या फिर वेदर के लिए लगा सकते हो, बैटरी वाला या नेविगेशन के लिए आप लगा सकते हो। सिंपली लगा सकते हो, डन करने के बाद आपका वॉलपेपर सेलेक्ट हो जाएगा, सेट एज वॉलपेपर, बेसिकली होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पर सेट हो जाएगा। आपने सेट हो गया है, यहाँ पे आपको आप ऐसे करके सेव भी कर सकते हो, जैसे मैंने और भी अलग अलग फोटो सेव कर रखे, फिर अलग अलग विजिट अलग अलग कामों के लिए। अगर आप वेदर वाली लॉक स्क्रीन लगाते हो तो यहाँ पे आपके सिटी लोकेशन के हिसाब से वो वेदर है ना वो आपको चलते हुए दिखाएगा, AQI वगैरह टाइम वगैरह वो दिखा देगा। यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से रेन है, अभी यहाँ पे तो रेन दिखा रहा है, ऐसे ही रेन का एनिमेशन भी आ रहा है। नेक्स्ट फीचर जो आपको मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं मैसेजेस ऐप में। यहाँ पे अगर आपने कोई भी मैसेज किया, जैसे मैंने 7:06 पे मैसेज सेंड किया है, और आपसे लॉन्ग प्रेस करते हो तो 15 मिनट तक आप इसको अंडू सेंड कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हो। तो एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिख जाएगा एडिट, लेकिन सामने वाले के फोन में भी iOS 16 होना चाहिए तो उसे मैसेज दिख जाएगा, अदरवाइज एक नया मैसेज की तरह जाएगा कि एडिटेड मैसेज इज दिस। और यहाँ पे आप अंडू भी कर सकते हो, अगेन इसके लिए सामने वाले के में भी iOS 16 होना चाहिए। अगर आप अंडू कर देते हो तो हमें मैसेज अंडू हो जाएगा। अगर आप कोई मैसेज डिलीट कर देते हो तो पहले होता था कि मैसेज गया तो गया, लेकिन अभी यहाँ पे आप मेन्यू में जाकर फिल्टर्स मेन्यू में जाते हो, रिसेंटली डिलीटेड पे जाते हो, आपको रिसेंटली डिलीट में दिख जाता है कि यार हमने कोई मैसेज डिलीट किया, तो ऐसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो या फिर रिकवर कर सकते हो। अगर आप रिकवर करोगे तो फिर से वो मैसेज में आपको दिखने लग जाएगा। और यहाँ पे सिम बेस्ड फिल्टरिंग भी है। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है आपको लाइव टेक्स्ट का, बेसिकली आप वीडियो चला रहे हो सफारी में या फिर क्विक व्यू कर रहे हो या फिर फोटोज जो ऐप होती है आईफोन की उसमें वीडियो को देख रहे हो, तो वहां से आप सिंपली वीडियो को पॉज कर सकते हो। और अगर वीडियो में कुछ टेक्स्ट है आप सिंपली उसे होल्ड करके ना सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से टैप करके फिर से कॉपी कर सकते हो, या फिर नीचे भी ये टेक्स्ट आ रहा है छोटा छोटा टेक्स्ट है उसे आप जूम करके यहाँ से भी कॉपी टेक्स्ट कर सकते हो, सिंपली कॉपी करके वैसे यहाँ कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली पेस्ट तो जो फंक्शन है यहाँ पे, वहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था, वहाँ से सिंपली कॉपी हो सकता है। वीडियोस के साथ साथ अगर आपको फोटो कोई है जिसमें ऐसा कि कोई टेक्स्ट है, फोन नंबर आप कॉपी करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे सेम तरीके से आप सेलेक्ट करके कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हो, कहीं पे पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ है, कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है सेलेक्ट ऑल करके पूरे पेज पर जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब कॉपी हो सकता है फोटो में से। तो ये फीचर आपका लाइव टेक्स्ट का वीडियो फोटोज दोनों में चल सकता है। अगर हम फोटोज पे आए गए हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, आपके पास फोटो है, आप सिर्फ फोटो निकालना चाहते हो लेकिन बैकग्राउंड हटाना चाहते हो, तो सिंपली फोटो का जो ऑब्जेक्ट है उसे टैप करोगे, आपके यहाँ से जो फोरग्राउंड है जो आप वो आ जाएगा, बैकग्राउंड आपका पीछे रह जाएगा। अब इसे आप यहाँ पे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर ट्विटर में हमें पेस्ट करना है, ट्विटर खोलने के बाद सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे वो फोटो आया विदाउट बैकग्राउंड। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो अच्छी लगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और ये भी iOS 16 के बारे में बताने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।